हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश रीडिंग आसानी से बच्चों को कैसे सिखाए। LKG UKG में ही बच्चों को टू लेटर्स या फिर थ्री लेटर्स वर्ड्स पढ़ना सिखाना स्टार्ट करते हैं। उनको CVC वर्ड्स बोलते हैं। CVC का लॉन्ग फॉर्म है कॉन्सोनंट वॉवल कॉन्सोनंट। कॉन्सोनंट एंड वॉवल की कंसेप्ट जिनको पता नहीं है, तो AEIOU ये पांच लेटर छोड़कर बाकी के जो भी लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये पांच वॉवल्स हैं। तो CVC वर्ड्स LKG UKG में ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बच्चे को स्टार्टिंग में दो लेटर वर्ड्स ही सिखाने हैं, उसके बाद थ्री लेटर वर्ड्स सिखाना स्टार्ट करना है। तो पहले आपको AEIOU ये जो पांच वॉवल हैं उनके साउंड सिखाने हैं। पहले स्टार्टिंग में ही आप बच्चों को फोनिक साउंड सिखाने से ही स्टार्ट कीजिए। बच्चे कुछ वर्ड्स आसानी से सीख जाते हैं पढ़ना, लेकिन कुछ वर्ड्स में उनको प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको फोनिक साउंड नहीं पता होते हैं। तो अगर आपको फोनिक साउंड की वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो पहले AEIOU के साउंड आप सिखाना स्टार्ट कीजिए। आई ओ एंड यू का साउंड तो डिफरेंट है, लेकिन ए एंड ई के साउंड में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स हैं AEIOU के थ्री लेटर वर्ड्स के। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, पहले जो वर्ड दिया है कैट, उसको क्या करते हैं बच्चे, ब्रेक करते हैं तीन साउंड्स में। सी का फोनिक साउंड है क, ए का साउंड है ए एंड टी का साउंड है ट, क एट ट कैट। तो इस तरह से बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर एम का साउंड है म, म ए न मैन। ई का साउंड है ए, ए का साउंड है ए। ए एंड ई में बच्चों को डिफरेंस पता चलना बहुत ज़रूरी है। ए एंड ई में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। म ए न म ए न मैन। आई का साउंड है ई, ह ई ट हिट। प अ ट पॉट, क अ ट कट। यू का साउंड है अ, ओ का साउंड है ओ। आई का साउंड है ई, क एट कैट। म एन मैन, ह इट हिट। प अ ट पॉट, क अट कट। इस तरह से बच्चों को वो वर्ड ब्रेक करके आपको सिखाना है। इसलिए ये वर्ड ब्रेक करने के लिए आपको जो ब्लेंडिंग होती है, डायग्राफ्स होते हैं, वो पता चलने बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक वर्ड है, सपोज एक वर्ड है ब्रेक, तो बच्चा अब इस तरह से पढ़ेगा, फोनिक साउंड से पढ़ेगा, तो उसको ब्रेक इस तरह से पढ़ेगा वो, ब र ए ए क ब्रेक। तो ये आपको बच्चों को ब्रेक वर्ड पढ़ना सिखाने के लिए ये जो ट्रिकी आर वर्ड्स हैं वो सिखाने बहुत ज़रूरी है। बी एंड आर को कंबाइन करके डायग्राफ बनाया है, उसको बोलते हैं ब्र, ब्र ए क। ई एंड ए यहाँ पर वॉवल्स दो साथ आए हैं, एंड इस यहाँ पर ई का साउंड यूज करते हैं, ए का साउंड नहीं यूज करते हैं, सिर्फ एक ई का साउंड यूज करते हैं, ब्रे क। यहाँ पर ए साइलेंट होता है। ये ए इसलिए आया है यहाँ पर जस्ट ई को लॉन्ग साउंड देने के लिए, ये यहाँ पर यूज हुआ है ब्रेक। तो इस तरह से आपको बच्चों को अगर स्प्लिट करके वर्ड सिखाना है तो उसके लिए उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स, डायग्राफ्स, ब्लेंडिंग, ट्रिकी आर वर्ड्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ब्लेंडिंग एंड डायग्राफ्स एंड ट्रिकी आर वर्ड्स एक्सेट्रा आपको पढ़ाना ज़रूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जस्ट इतना भी आप सिखाओगे तो भी इनफ है, बच्चा 50% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको फोनिक साउंड्स पढ़ाने हैं कॉन्सोनेंट एंड वॉवल के, उसके बाद वॉवल के फोनिक साउंड्स पढ़ाने हैं, उसके बाद
ये जो ब्लेंड्स है वो पढ़ाने हैं, ब्ल क्ल फ्ल ग्ल प्ल। उसके बाद ट्रिकी आठ वर्ड्स पढ़ाने हैं। ट्रिकी आठ वर्ड्स कौन से हैं? ट्र क्र ब्र ड्र ग्र प्र फ्र। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशंस या फिर वॉवल्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, डबल कॉन्सोनेंट्स या फिर डबल वॉवल्स। एस एस को पढ़ते हैं स, ल, उ, इ, फ। उसके बाद एस के कुछ ब्लेंड्स होते हैं इस साउंड के, स्क स्ल स्क स्क न, स्प स्ट व, इस तरह से। फिर ये डायग्राफ्स हैं, टी एच सी एच एस एच पी एच एंड डब्ल्यू एच। इसको पढ़ते हैं थ च श फ व। यहाँ पर है बॉसी आर। यहाँ पर आर का साउंड ज़्यादा लाउड होता है या फिर ज़्यादा वहाँ पर हम साउंड करते हैं आर को। र और र अर अर अर, इन तीनों का साउंड अर ही होता है, आई आर यू आर एंड ई आर का, इसका भी साउंड अर ही होता है। देन होते हैं वॉवल्स के कॉम्बिनेशंस, ए आई आई ई ए, इस तरह से। तो वॉवल्स के कॉम्बिनेशंस कैसे पढ़ने और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं और वो किस तरह से सिखाने हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली इतने वॉवल्स के कॉम्बिनेशंस आपको दिखा के बता सकती हूँ कि जो वॉवल्स के कॉम्बिनेशन है उसमें पहला जो लेटर है ए आई, तो उसमें ए का साउंड नहीं यूज होता है, यहाँ पर ए का नेम यूज होता है। तो साउंड एंड नेम की कॉन्सेप्ट क्या है? तो ए बी, तो ए का जो साउंड है वो है ए, फोनिक साउंड, लेकिन इसका नेम क्या है? ए बी। इसका फोनिक साउंड क्या है? ब। ये नेम है एंड ये फोनिक साउंड है, ए बी सी, ये नेम है उनके, लेकिन फोनिक साउंड क्या होता है? क, ए ब क, इस तरह से। तो यहाँ पर जब दो वॉवल्स एक साथ आते हैं तो हम बच्चों को ये बताएंगे कि ये जो पहला लेटर आया है उसका हम नेम यूज करेंगे, ए ई ई ए ई ओ ए ओ यू, तो इस तरह से। एंड ये है डिपथोंग्स। डिपथोंग्स मतलब ओ से स्टार्ट होते हैं एंड वो ओ से थोड़ा सा फिसल के किसी और प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाते हैं, वो और लेटर की प्रोनाउंसिएशन की तरफ, ओ ओ उई ओई, इस तरह से। एंड अदर कुछ होते हैं कॉम्बिनेशंस लेटर्स के, शन शन, यहाँ पर शन और शन कब यूज होता है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। तो इसको शन बोलते हैं, इसको भी शन बोलते हैं। उंग आई ओ ओ उर, तो इस तरह से। तो इसके हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहले देखते हैं ब्लेंड्स, बी एल, इसको हम बोलेंगे ब्ल ब्ल ए क, ब्लैक ब्ल यू ब्लू, क्ल क्ल ओ क, क्लॉक क्ले, फ्ल फ्लैट फ्लो, ग्ल ग्लो ग्लैम ग्लू, प्ल प्ले प्लम, प्ल ग्ल ग्ल फ्ल, इनके एग्जाम्पल्स हैं। ट्रिकी आर वर्ड्स के एग्जाम्पल्स है, टी आर को ट्र बोलते हैं, ट्रिकी ट्रक, क्र क्रेन क्रैब, ब्र ब्रेन ब्रेक, ड्र ड्रम ड्रैग, ग्र ग्रास क्रेन, प्र प्रे प्रैंक, फ्र फ्रॉग। डबल कॉन्सोनेंट्स जब आते हैं तो एस एस, लॉस टॉल, मून ट्री फ्लफ। लेटर एस ब्लेंडिंग के एग्जांपल्स, स्ल स्लीम, स्क स्कीन, स्क स्कोर, स्मॉल, स्नैक, स्पेस, स्टेट, स्वीट। डायग्राफ्स के एग्जांपल, टी एच द, सी एच चॉक,
च च चौक श शॉप फ फोटो व वेल बॉसी आर के एग्जांपल ए आर अर कार अर होता है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अर कार स्टार और मोर इर एर स्टेर एयर होता है इसका अर ब्लर अर अफ्टर अर श्योर प्योर वॉवल पेयर्स के एग्जांपल्स ए आई पेयर यहाँ पर देखिए सिर्फ ए का साउंड हम यूज कर रहे हैं आई साइलेंट है ब्रेन यहाँ पर भी ए का नेम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी ए का नेम यूज कर रहे हैं लाई आई का नेम यूज कर रहे हैं यहाँ पर लाई आई ई में टी यहाँ पर ई ए में ई का साउंड नेम हम यूज कर रहे हैं टी ई ई ए को हम ई बोल रहे हैं ई टी ई ए टी मीट सोप ई ई को ई ओ ए को ओ सोप ए वाई को ए डे ओ ई को ओ टो यू ई को यू बोलेंगे टी यू डी यू ई ड्यू यू यू का नेम हम यहाँ पर यूज करेंगे कुछ अदर साउंड्स हैं शन शन आइन जी आई आई क्व ली अ उ मोर क क इसका साउंड है क तो इसके एग्जांपल है ट्यूशन सेशन मॉर्निंग इसका आई जी एच का आई होता है तो नाइट बोलेंगे हम एन आई जी एच टी ना न आई ट नाइट आई ट नाइट क्व ली क्व का क्वीन ली का डेली ओ का एग्जांपल सॉ ए यू का एग्जांपल कॉट ओ क ऑच कॉट और फ्लोर और मोर क क डक डी यू सी के क डक तो कुछ डीप थॉन्ग्स भी है यहाँ पर ओ यू औ हाउस माउथ ह औ स हाउस माउथ औ काउ ब्राउन ऑय ऑयल सॉइल ओय टॉय बॉय तो इस तरह से ये साउंड करते हैं तो आप बच्चों को जस्ट इतने साउंड्स अगर पढ़ाओगे तो भी उनका बहुत सारा मैक्सिमम इंग्लिश रीडिंग का प्रैक्टिस कवर हो जाएगा एंड और एक करना है बच्चों को डेली एक पैराग्राफ या फिर दो पैराग्राफ 15 मिनट्स रीडिंग डेली लेना है वो प्रैक्टिस के दौरान जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो उस प्रैक्टिस के दौरान जो साइट वर्ड्स होते हैं जिनके कोई स्पेलिंग नहीं है या फिर कोई उनका नियम नहीं होता है तो वो साइट वर्ड्स होते हैं वो देख देख के ही बच्चे सीख जाते हैं रोज़ रोज़ आंखों के नीचे से वो जब जाते हैं तो बच्चों को वो पता चल जाते हैं इसके लिए डेली उनको कुछ भी पढ़ाना है न्यूज़पेपर होगा स्टोरी बुक होगा या फिर उनका जो स्टडी बुक होगा वो पढ़ाना है एंड डेली 15 मिनट्स ज़्यादा नहीं है डेली 15 मिनट्स हिंदी मराठी या फिर जो भी उनके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके एक एक दिन छोड़ के आप प्रैक्टिस ले सकते हो रीडिंग की तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू बाय